हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही हेल्दी और एकदम घर पे आसानी से बन जाने वाले पराठे बना रही हूँ, जिसमें कोई भी स्टफिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है। जिसको स्टफिंग करना नहीं आता है, आता है, वो सब अपने आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। मैंने ये 2 मीडियम साइज के गाजर लिए थे, वो कद्दूकस किए हैं, वो डाल रही हूँ। 1 मीडियम मैंने फूल गोभी ली थी, वो कद्दूकस किया है, वो डाल रही हूँ। 1 मीडियम साइज का आलू जो मैंने बॉईल करके कद्दूकस किया है, वो डाल रही हूँ। दो चम्मच ये मैंने हरी मिर्च ली है, वो चॉप की हुई है, वो मैं डाल रही हूँ। आप अगर तीखा कम पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं। ये एक छोटी कटोरी हरा धनिया है, वो डाल रही हूँ। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है। ये 100 ग्राम पनीर है, वो मैं अभी इस छन्नी से कद्दूकस करके डाल रही हूँ। मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया है। अभी ये 100 ग्राम चीज़ है, इसको मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। अगर आप चीज़ और पनीर नहीं डालना चाहते तो आप नहीं डालना, पर इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बच्चों को भी पसंद आता है। क्या है कि कई कई बार बच्चे सारी सब्जियां नहीं खाते हैं, इस तरह से पराठे में डाल के दोगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलता और टेस्टी भी रहता है और बच्चे आसानी से खा लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा मसाले भी नहीं है। घर में रूटीन में जो मसाले हैं, सिर्फ मैंने इसमें नमक और हरी मिर्ची डाला है। कुछ नमक, कुछ भी वैसे अलग तरीके के मसाले इसमें नहीं जा मैंने डाले हैं। ये सारा सब कुछ हमारा मिक्स हो गया, अभी हमने इकट्ठा कर लिया है। अब इसमें जितना गेहूं का आटा मैं डाल रही हूँ, जितना चाहेगा उस हिसाब से ही डालेंगे। अभी मैं इसमें 5 बड़े चम्मच गेहूं का आटा डाल रही हूँ। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर बाद में हमको लगे कि अभी इसको हमें आटा चाहिए तो ही डालेंगे, बहुत आटा नहीं डालेंगे। अब इसमें मैं 4 से 5 चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब ये सब कुछ अच्छी तरह से हमको मिक्स करके एक अच्छा आटा गूंदना है। इसमें हमें पानी नहीं लेना है, बस जो ये वेजिटेबल का पानी, आलू सब कुछ है, वही उसमें से ही हमारा आटा गूंदना है। एक्स्ट्रा पानी ऊपर से नहीं डालना है हमें। अच्छी तरह हल्के हाथों से पहले सब कुछ मिक्स कीजिए, ताकि आपको पता चले कि अभी इसमें आटा चाहिए कि और आटा नहीं चाहिए। इसमें अभी 2 चम्मच बड़े वाले और आटे डालेंगे। बस अब आटा नहीं चाहेगा। तकरीबन हमने 5 से 6 बड़े चम्मच आटा डाला है। अब इसको अच्छी तरह से प्रेस करके आटा गूंदेंगे। ये देखिए, हमारा आटा अच्छी तरह से अभी गूंद गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल के सारे आटे पे कवर कर लेंगे। और ये आटा आप भून के रखना नहीं, वरना क्या है कि जो वेजिटेबल और नमक डाला है उसके वजह से इसमें से पानी निकलेगा और हमारा आटा ढीला हो जाएगा, नरम हो जाएगा। अगर आपको कुछ देर के बाद करना है पराठा तो इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये आटा आप रात को ऐसे गून के फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह बच्चों को ये पराठे आप लंच बॉक्स में भी
दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। अब हम इसके मीडियम साइज के, आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, अभी मैं इसके ऐसे मीडियम साइज के पेड़े बना रही हूँ। सारे पेड़े आप इकट्ठे भी बना सकते हैं और एक एक ऐसा पेड़ा बना के भी आप पराठा बेल सकते हैं। अभी मैं ये एक पेड़ा बना रही हूँ। अभी ये पेड़े को मैं सूखे आटे में लगा के, अब इसको एकदम हल्के हाथों से बेलना है। इस तरह से हल्के हाथों से बेल के ऐसे हाथों से घुमाना है। ये बहुत पतला भी नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है, ऐसे देखिए हमारा ये पराठा बेल के तैयार है। अभी मैं इसको एक पैन में रख के धीमी आंच पे, पहले एक साइड धीमी आंच पे मैं होने दे रही हूँ, तब तक पकेगा नहीं तब तक। ये देखिए एक तरफ से हमारा पराठा इस तरह से हो गया है। अभी हमने पलटाया है और दूसरी तरफ हम 2 मिनट तक रखेंगे धीमी आंच पे। अब इस तरफ एक छोटी आधी चम्मच तेल डाल के इसको ऐसे पलट के धीमी आंच पे ऐसे थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस करना है और सेकना है। अब इस तरफ थोड़ा सा ही तेल डाल के पलट के ऐसे प्रेस करके सेकना है। ये हमें धीमी आंच पे या मीडियम आंच पे ही करने हैं, क्योंकि हमने इसमें पत्ता जो हमने फूल गोभी डाली थी वो कच्ची थी। वैसे तो उसमें कोई पकने में दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी हम अपनी सेफ्टी के हिसाब से इसको धीमी आंच पे करेंगे ताकि ये पराठा पक भी जाए और थोड़ा क्रिस्पी भी रहे। ये देखिए हमारा पराठा अच्छी तरह से अब दिख गया है। इसको हम एक प्लेट में डालेंगे और इस पे हम थोड़ा हल्का बटर लगाएंगे। अगर आप बटर लगाना नहीं चाहते तो नहीं लगाना, और मैं इस पे इसलिए बटर लगा रही हूँ कि टेस्ट में भी अच्छा लगता है और ये ड्राई नहीं हो जाता। हमारा पराठा थोड़ा सॉफ्ट रहता है, वैसे तो सॉफ्ट ही है, फिर भी ये हमारा पराठा तैयार है। इस तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। तो तैयार है हमारे हेल्दी वेज नो स्टफिंग पराठे। इसको आप केचप के साथ, दही के साथ और पुदीने और धनिए की हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये आप कभी भी बच्चों को लंच में, ब्रेकफास्ट में, लंच बॉक्स में, सब सब में दे सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर से कीजिए। थैंक यू।